नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं आप सबको इक्की से संबंधित सारी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो देता रहता हूं। फिलहाल इन दिनों में अपॉइंटमेंट को लेकर ही सारे वीडियो चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैंसिल वाले हैं और है, तो उन पर मैंने वीडियो का 2-3 वीडियो बनाए हैं। आपने यदि अभी तक वो नहीं देखे तो पीछे जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज एक शॉर्ट नोटिस है आप सबके लिए, जो दिल्ली में अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, VFS जाते हैं, उन सब के लिए एक नई वीडियो है। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो जो नया ये वीडियो है उसका कारण है VFS की वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि नई दिल्ली का जो ऑफिस है वो चेंज हो रहा है। वो फिलहाल जो ऑफिस है वहां से ट्रांसफर हो गया, उसका नया एड्रेस है वो फर्स्ट फ्लोर इंडिया बुल बिल्डिंग 27 KG मार्क कनॉट प्लेस नई दिल्ली, ये बन गया है एड्रेस। नीचे मैं आपको कमेंट में भी लिख दूंगा। तो जिनके पास में यानी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है और उनमें नया एड्रेस यदि नहीं लिखा हुआ है तो याद रखिएगा कि VFS है वो अब नए एड्रेस पर ट्रांसफर हो रही है। हालांकि आज जो है नोटिफिकेशन है उसमें डेट नहीं दे रखी है, उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि नए ऑफिस में चेंज हो रहा है और ये एड्रेस है उसका। लेकिन कल इसी पर जो नोटिफिकेशन था उसमें डेट दे रखी थी 2 सितंबर, 2 सितंबर से नया एड्रेस है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा VFS का जो ऑफिस है वो। आज वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें हालांकि डेट नहीं दे रखी है, हटा दी गई है, लेकिन कल था तो उसमें डेट थी। मैं आपको दोनों का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं, कल जो था उसमें डेट लिखी हुई थी, आज वाले में डेट नहीं लिखी हुई है। तो एक बार है वो जाएं, जो भी 2 सितंबर से ये उसमें लिखा हुआ था कि 2 सितंबर से चेंज हो रहा है तो ध्यान रखिएगा नया एड्रेस है उस पर जाना है आपको। और वैसे मेरा मानना है कि शायद आपके पास में जिनका भी अपॉइंटमेंट है उनके पास में ईमेल या व्हाट्सएप जरूर आ गया होगा नया एड्रेस का। यदि नहीं आया है तो भी ये नया एड्रेस है, इसको याद रखिएगा, कहीं वहां जाकर के परेशान नहीं हो जाए कि ये क्या हुआ, हम तो यहाँ भी गए और ऑफिस भी नहीं मिल रहा, अब वीजा एप्लीकेशन कहाँ जमा करवाएं, एड्रेस है वो चेंज हो गया है। यही एक छोटी सी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करनी थी। और बाकी जो है अपॉइंटमेंट जिनके रिजेक्ट हुए हैं और हुआ है तो उनके लिए डिटेल में मैंने वीडियो पहले से बना दी है, उसमें जो हमारे पास था वो सारी जानकारी दे दी। वहां पर गए हैं उनकी भी बातें आपको बताई है, जो VFS गए थे उन लोगों के बारे में भी, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब जो है वो यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ निकल कर आए, नहीं आएगा तो फिर आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना ही लेना है। जिनकी खत्म हो चुकी है नूल अवस्था उन लोगों को जरूर परेशानी है, तो वो है वो VFS और इटालियन एम्बेसी और VFS दोनों को ईमेल कीजिए, बार बार कीजिए, एक बार नहीं तो 5 बार कीजिए, कभी ना कभी आपकी बात सुनी जाएगी, यही उम्मीद करते हैं। यहां पर कोशिश करके देख लें, आपके जिन्होंने भी पेपर निकलवाए हैं वो यहां पर कोशिश करके देखें, यदि नूल अवस्था नहीं मिल जाती है नई डेट की तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जितना मेरी जानकारी में आया है यहाँ पर डेट नहीं बढ़ाकर दे रहे हैं। अब लगभग सब जगह मनाई कर रहे हैं कि नई नूल अवस्था नहीं देंगे नई डेट के साथ में, तो आपके पास में ज्यादा वही रास्ता बचता है कि आप बार बार उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करें, कोई रास्ता आपके लिए निकले, कुछ ना कुछ बने आपका भी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। नया एड्रेस है वो जरूर याद रखिएगा, पुराना एड्रेस अलग था, नया एड्रेस ये है, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ में, धन्यवाद।